बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं टोयोटा क्रोला का। ये देखें आप, डैशबोर्ड रिपेयरिंग कर रहे हैं। इस तरह हम इसकी मुकम्मल ग्राउंड वगैरह तैयार करते हैं। ये आपके सामने डैशबोर्ड तैयार हो रहा है, मुकम्मल वीडियो आप देखें। आपको पहले भी इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। तो ये टोयोटा क्रोला 2010 मॉडल का डैशबोर्ड आया है। अब इसकी जो पहले वाली हालत है 1122 हुई है, इसके ऊपर हमने इसकी टोटल ग्राउंड तैयार की है। अब ये केमिकल लगा रहे हैं, क्योंकि अक्सर डैशबोर्ड का जो रेगजिन लोग लगाते हैं वो ख़राब हो जाता है, फूल जाता है। तो ये बेस जो हम लगा रहे हैं केमिकल की, ये इसलिए लगा रहे हैं कि अपनी जगह पे बिल्कुल जेन्युइन फिटिंग की तरह ये बैठेगा और हीट से ख़राब नहीं होगा। तो आए इस वीडियो में मुकम्मल आपको साथ साथ दिखाते हैं कि किस तरह हम इसको तैयार करते हैं। अगर आपकी गाड़ी का भी डैशबोर्ड ख़राब है तो आप परेशान ना हो, इसको जर्मन तरीके से हम तैयार करेंगे। ये देखें, ये वाला मटेरियल हम लगाते हैं बिल्कुल प्रॉपर जर्मन, जर्मन वांगी दाने वाला, जिस तरह का कंपनी फिटिंग। और इसके अलावा हमारे पास सीट कवर भी होते हैं। तो ये देखें, बेस होगी तैयार। तो आए अब इसकी फिटिंग ये कर रहे हैं। ये ही डैशबोर्ड आप देखना, इस तरह लगेगा जिस तरह कंपनी फिटिंग से अभी आया। तो अब ये फाइनल कोड की तरफ जा रहा है। ये देखें, हम बिल्कुल प्रॉपर पूरी जेन्युइन फिटिंग के साथ लगा रहे हैं। तो आप देखते जाएँ, अब इसको मुकम्मल फिटिंग करके आपको दिखाएँगे और गाड़ी के अंदर भी फिटिंग करके इसी तरीके से जेन्युइन तरीके से फिटिंग करेंगे कि ये पता ही नहीं लगेगा कि डैशबोर्ड। अगर आपकी गाड़ी का भी डैशबोर्ड ख़राब है तो आप हमारे पास आएँ। अगर नहीं आ सकते कहीं भी हैं तो उधर से भी, ये वीडियो बनाने का ये मकसद होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिले, आप लोगों का फ़ायदा हो। तो ये देखें, बिल्कुल अपनी जर्मन हालत में कर्ब बैठ रहे हैं, जहाँ पर एसी ग्रिल वगैरह होती है, एलसीडी होती है, इसका जो इम्बोज वगैरह है टोटल हम इस वीडियो में आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरह आपने लगाना है। अगर हाँ आप नहीं आ सकते तो आप कहीं भी हैं उधर अपनी ये इस तरह डैशबोर्ड आप अपना तैयार करवा सकते हैं। आपकी गाड़ी की मेन होता है डैशबोर्ड। अगर डैशबोर्ड ख़राब हो तो सारी गाड़ी की लुक ख़राब हो जाती है। तो ये हम इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए देते हैं, वीडियो में बताते हैं कि जिस तरह हम इसको तैयार करते हैं, हमारा टोटल इंटीरियर का काम है। और आए चलते हैं, अब इसकी मुकम्मल फिटिंग करके आपको दिखाते हैं। तो जिस तरह ग्रिलें वगैरह लगेंगी, एसी ग्रिल लगेगी, वो भी आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। अब फिटिंग हमने आपके सामने की है। अभी ये देखें, इसका टोटल सामान है, जो ये ग्रिल एसी ग्रिल है, ये भी इसी तरह प्रॉपर फिटिंग होएगी। और जो छोटे वाली हैं वो भी होंगी, ये कार्टन वगैरह दे रहे हैं। तो आए चलते हैं, अब मुकम्मल आपको फिटिंग दिखा रहे हैं। अब इस तरह इसकी कटिंग वगैरह करते ही देखें, क्योंकि पेंट होता है गर्मियों में, अक्सर पेंट उतर जाता है और हाथ वगैरह लगाएंगे, कुछ चीज़ रखेंगे वो पेंट के साथ चिपक जाती है। तो ये देखें, अब इसके हमने ये कटिंग वगैरह की है। अब इसकी ये देखें, प्रॉपर पूरी फिटिंग के साथ ये बैठेगा और अपनी जगह पे प्रॉपर बैठता है। ये टोयोटा मोनोग्राम है, ये ऊपर ही लगेगा उसी तरह जिस तरह कंपनी फिटिंग की कटिंग होती है, और उसी तरह लगा के। तो अब ये एक ग्रिल की कटिंग कर रहे हैं, देखें एसी वाली, इस तरह काट देने हैं आपने। अगर आप दूर हैं, अगर आप लाहौर आ सकते हैं, हमारे पास आ सकते हैं, तो पीको रोड मॉडल टाउन लिंक रोड पर हमारी लोकेशन इमरान कार पोशी निकालेंगे, आपको मिल जाएगी। तो अब ये देखें, इस तरह कटिंग करके इसकी पूरी ग्रिल भी लगाते हैं, टोयोटा का मोनोग्राम भी लगाते हैं। ये देखें, प्रॉपर अपनी जगह पे बैठ गई है। अब टोयोटा का मोनोग्राम लगाते हैं, टोटल ग्रिलें मुकम्मल फिटिंग करके। तो चलते हैं फिर गाड़ी के अंदर जाके आपको फिटिंग करके दिखाते हैं कि किस तरह हम इसको तैयार किया है। तो सारे इस वीडियो में टोटल आपको दिखा रहे थे हम, जैसे जैसे हम तैयार कर रहे थे और जिस तरह हमने इसकी ग्राउंड तैयार की है, बेस तैयार की है, जिस तरह के पेंट होता है गाड़ी का उसी तरह इसकी मेहनत से। ये देखें, ये अब डैशबोर्ड हो गया तैयार। ये वही डैशबोर्ड है जो पहले 1122 हुआ था। तो अब ये टोयोटा का मोनोग्राम लगा रहे हैं, देखें बिल्कुल हर चीज़ प्रॉपर। ये देखें, ये अपनी जगह पर बैठ रहा है, प्रॉपर बैठेगा।
अब ये लुक देखिए और डैशबोर्ड हो क्लियर, गया, तो आपने चले आए, सारा मुकम्मल टोटल तैयार डैशबोर्ड हो गया देख तैयार। लिया, इसके तो आए अंदर चलते हैं हम फिटिंग गाड़ी करके, के अंदर, चलते हैं फिटिंग गाड़ी करके के आपको अंदर फिटिंग दिखा करके लेंगे आपको इस तरह दिखाना लगेगा है। जिस तरह ये कंपनी फिटिंग गाड़ी में फिटिंग हो गया है। तो ये देखें, इस गाड़ी का ये डैशबोर्ड था, ये हमने तैयार आपके सामने किया है जिस तरह हम तैयार कर रहे थे। तो इस तरह प्रॉपर फिटिंग के साथ हम तैयार करते हैं। अगर आपकी गाड़ी का ख़राब है तो आ जाए इमरान कारपोशी पे। तो आएँ चलते हैं, अगली वीडियो में आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कौन सी गाड़ी का इंटीरियर कलर तैयार करने जा रहे हैं।